राइनोस यानी गेंडे धरती पर रहने वाले हाथी के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जानवर होते हैं। दुनिया में 5 तरह के गेंडे पाए जाते हैं और इस समय इन 5 प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। यूं तो गेंडे शाकाहारी जीव होते हैं और अपनी पेट पूजा के लिए किसी जानवर का शिकार नहीं करते, मगर इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि ये थोड़े से संकी किस्म के होते हैं और जल्दी भड़क जाते हैं। इनकी आंखें बड़ी कमजोर होती है, हाँ, मगर इनकी सूंघने और सुनने की ताकत बड़ी कमाल की होती है। इनकी साइज और इनकी भारी भरकम काया देखकर इतना तो तय है कि जब भी मोटी चमड़ी का ये विशाल काय जानवर किसी से लड़ता है तो धरती डोलने लगती है, आसमान सिहर उठता है और एक तूफान खड़ा हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इस गुंडे मतलब गेंडे की ऐसी लड़ाइयां देखने वाले हैं जिसे देखने के बाद राइनो की ताकत पर आपको कोई शक नहीं रह जाएगा। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं ये रोमांचक खेल। नंबर 15, राइनो वर्सेस एलिफेंट। जब दुनिया के दो सबसे बड़े महादानव आपस में भिड़ेंगे तो लाजमी है कि भूकंप तो आएगा ही। ये देखिए, ये हाथी जानबूझकर इस मादा गेंडे को उकसा रहा है। मादा इस वक्त कोई टकराव नहीं चाहती और अपने रास्ते जा रही है, मगर हाथी आज अलग ही मूड में है और इसने पीछे से जाकर राइनो को टक्कर मार दी। अब राइनो के पास पलटवार के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। उसने भी पलटकर हाथी की सूंड के नीचे अपने मजबूत सींग से ऐसा जबरदस्त वार किया कि हाथी की चीख निकल गई। मगर हाथी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, वो राइनो को धकेलने लगता है। दोनों के भारी भरकम शरीर आपस में टकराने लगते हैं और दोनों एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत आजमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मगर जैसा कि शुरुआत से ही लग रहा था कि आज राइनो का लड़ाई करने का मूड नहीं है, वो धीरे से एक तरफ निकल जाती है और भाग निकलती है। नंबर 14, राइनो वर्सेस राइनो। इस वीडियो में देखिए कैसा मंजर होता है जब दो महाभयानक गेंडे आपस में भिड़ते हैं। कीचड़ में लिपटे हुए ये गेंडे आज इतने गुस्से में हैं कि बिल्कुल मरने मारने पर उतारू हैं। अपने सींग से कभी एक दूसरे पर पीछे से वार करते हैं तो कभी सामने से भिड़ जाते हैं। दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है और कभी एक गेंडा दूसरे पर भारी पड़ता है तो कभी दूसरा पहले को खदेड़ कर पीटता है। ये लड़ाई इस मुकाम पर पहुँच गयी है कि दोनों के शरीर पर घाव होने लगे हैं। इस गेंडे के पिछले पैर पर खून बहता हुआ आप आसानी से देख सकते हैं, मगर फिर भी दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा है। नंबर 13, राइनो वर्सेस हिप्पो। इस वीडियो में देखिए कैसे इस गेंडे को रात में अकेला देख छेड़ रहा है ये हिप्पो। बट हमेशा की तरह गेंडा इस बार भी कोई लड़ाई नहीं चाहता और अपने रास्ते निकल लेता है, मगर हिप्पो है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। वो गेंडे के पीछे ही पड़ गया है और मुंह फाड़ फाड़ कर उसे चिढ़ा रहा है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ राइनो की पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है। इनमें से एक राइनो जो शायद रिश्ते में पहले वाले राइनो के ताऊजी लगते हैं, उन्होंने इस बदचलन हिप्पो को सबक सिखाने की ठानी और अपना सींग लेकर इसके पीछे जो दौड़े कि हिप्पो की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बेचारा सिर पर पैर रख कर भागा। लगता है इसे आज सबक मिल गया है, आज के बाद ये कभी अकेले राह चलते गेंडे को नहीं छेड़ेगा। नंबर 12, राइनो वर्सेस बफलो। अफ्रीका के जंगलों में बफलो का भी बड़ा नाम है और जानवर इसकी ताकत के आगे सिर झुकाते हैं, मगर अपनी ताकत के नशे में चूर जब ये भैंस राइनो से पंगा लेने पहुंच जाती है तो देखिए राइनो इसका क्या हाल करता है। बेचारी को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। भैंस अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी गेंडे को एक इंच भी पीछे नहीं धकेल पा रही है और गेंडा उसे किसी गुड़िया की तरह चारों तरफ नचा रहा है। इस भैंस के आसपास इसके और भी संगी साथी मौजूद है, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि आगे बढ़कर अपनी दोस्त की मदद कर सके। एक दो बार कुछ भैंसों ने कोशिश भी की, मगर गेंडे ने अकेले ही सभी को एक साथ खदेड़ दिया और दूर तक दौड़ाया। गेंडे से पंगा लेना कोई मजाक है क्या? नंबर 11, राइनो वर्सेस लायन। इस वीडियो में राइनो ने जंगल के राजा से भिड़ने की हिम्मत की है, मगर ये क्या, जंगल का राजा तो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। मतलब राइनो से तो जंगल का राजा भी डरता है बॉस। अरे ये एक नहीं दो दो शेर है। इसके बावजूद इस अकेले राइनो से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। राइनो को भी चैन नहीं है, बेवजह जा जा कर शेर को परेशान कर रहा है। वो दूर जाकर आराम से बैठे है तो भी उनके पीछे पीछे जाकर उनको भगा रहा है। लगता है इन दोनों शेरों के पास कोई शिकार है जिसे वे खाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये गेंडा उन्हें खाना ही नहीं खाने दे रहा। भैया आप तो मांस खाते नहीं, बेचारे शेरों को तो खाने दो। मगर लगता है भाई साहब को शायद जीव हत्या पसंद नहीं है। शेर को इतना
बेबस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। नंबर 10, राइनो वर्सेस हाइनास। इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे जब हाइनास झुंड में हमला करते हैं तो राइनो जैसे ताकतवर जानवर भी बेबस हो जाते हैं। यहाँ तीन राइनोस आराम से चारा चर रहे हैं, मगर कहीं से हाइनास का झुंड आ जाता है। ये मिलकर इनमें से एक राइनो के पीछे पड़ जाते हैं और उसके पिछवाड़े को नोच नोच कर घायल कर देते हैं। बेचारा गेंडा एक तरफ मुड़ता है, तब तक दूसरी तरफ से कोई हाइना हमला कर देती है। बेचारा चक्कर घिन्नी हो जाता है कि करे तो क्या करे। बीच बीच में गेंडे का दूसरा साथी उसके बचाव में आता है, मगर हाइना के झुंड का मुकाबला करना इतना भी आसान काम नहीं है। ये हाइनास बेचारे गेंडे के पिछवाड़े के पीछे ऐसे पड़े हैं कि उसे अपने साथी के साथ वहाँ से भागना ही पड़ा। नंबर 9, राइनो वर्सेस लायंस। इस वीडियो में शेरों के पूरे झुंड ने मिलकर इस गेंडे को घेर लिया है। सब मिलकर इस पर अलग अलग दिशाओं से हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मजाल है, राइनो को कोई हाथ भी लगा दे वो चारों तरफ घूम घूम कर बराबर अपना बचाव कर रहा है। ऐसा लगता है कि शेरों ने आज गलत शिकार चुन लिया है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद इस राइनो को हल्की सी भी खरोच नहीं लगा पाई ये शेरों की ये टोली। यकीनन राइनो बड़ा ताकतवर जानवर है, इसका शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नंबर 8, राइनो वर्सेस बफलो। इस वीडियो में देखिए, ये भैंस आज राइनो से टक्कर लेने की फिराक में है। पता नहीं भैंसों को ऐसा क्यों लगता है कि वे राइनो को हरा देंगी। यहाँ भी अपनी पूरी ताकत लगाकर ये भैंस इस राइनो को धकेलने की कोशिश कर रही है, मगर राइनो भी उसका बाप है, वह टस से मस नहीं हो रहा है। और इस बार तो उसने भैंस को गिरा दिया, मगर भैंस फिर खड़ी होकर भिड़ गई। ये लड़ाई पूरी तरह से ईगो की है, दोनों खुद को एक दूसरे को ज्यादा ताकतवर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मगर भैंस का अग्रेशन आखिरकार किसी काम नहीं आया और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। नंबर 7, मेल राइनो वर्सेस फीमेल राइनो। इस वीडियो में देखिए, हवस का भूखा ये राइनो इस फीमेल राइनो के साथ मेटिंग करने की गुजारिश करता है, मगर फीमेल राइनो के साथ अभी उसका बच्चा है, इसलिए शायद वो अभी ये सब करने के मूड में नहीं है। अब ऐसी स्थिति में लड़ाई होना तो लाजमी है। मेल राइनो ने फीमेल पर अटैक कर दिया और फीमेल को भी अपने आप को और अपने बच्चे को बचाने के लिए इस हमले का जवाब देना पड़ा। घमासान छिड़ गया, चारों तरफ धूल के बादल मंडराने लगे। वैसे भी राइनोस की आंखें बड़ी कमजोर होती है, ऐसे में धूल के बीच में कुछ भी देख पाना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा होगा। मगर ये देखिए, मेल राइनो ने फीमेल के पिछवाड़े पर अपना सींग घुसा दिया। लगता है इसकी आंखें ज्यादा तेज हैं। थोड़ी देर बाद धूल हटती है और इनकी लड़ाई भी बंद हो जाती है। शायद मेल राइनो समझ गया है कि इस समय उसकी दाल नहीं गलने वाली। नंबर 6, राइनो वर्सेस हिप्पो। हिप्पो को अगर पानी का राइनो कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी भी ऐसी ही ऊंची तगड़ी होती है और चमड़ी भी बड़ी मोटी होती है। ऐसे में जब भी इन दोनों के बीच मुकाबला होता है तो मामला टक्कर का होता है। इस वीडियो में पानी में बैठे इन दो हिप्पो में से एक इस राइनो से पंगा लेने के बारे में सोच रहा है। राइनो भी एकदम से अग्रेसिव नहीं हो रहा है, वो पहले सिचुएशन का मुआयना कर रहा है। हिप्पो थोड़ी देर में राइनो को धकेलते हुए पानी से बाहर ले जाता है, मगर फिर राइनो भी उसे धकेलते हुए पानी में ले आता है। दोनों के बीच बड़ी देर तक ये ठंडी लड़ाई चलती रहती है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश नहीं करता। नंबर 5, मॉम राइनो वर्सेस मॉम एलिफेंट। ये वीडियो बड़ी मजेदार है। नदी किनारे अपने बच्चे के साथ राइनो पानी पीने आई थी और इसी समय एक हाथी भी अपने भाई के साथ वहाँ आ गया। पता नहीं किस बात पर दोनों की तूतू मैमे हो गई और हाथी ने खींच कर राइनो पर वार कर दिया और उसे पीछे धकेल दिया। राइनो ने पलटवार किया तो हाथी को पीछे हटना पड़ा, मगर ये हाथी यही नहीं रुका, ये जाकर अपनी मम्मी को ले आया। और अब देखिए, हाथी मम्मी इस राइनो मम्मी को डराने आई है। कभी उस पर पानी छींटती है, कभी लकड़ी फेंक कर मारती है, तो कभी गुस्से में उसकी ओर बढ़ती है, यानी हर तरह से राइनो को डराने की कोशिश कर रही है। राइनो मम्मी भी पीछे खिसक रही है अपने बच्चे के साथ। अभी उससे पंगा लेना सही नहीं लग रहा। नंबर 4, राइनो वर्सेस टाइगर। कहते हैं कि टाइगर से बेहतरीन शिकारी दूसरा कोई नहीं है, मगर यहाँ इस वीडियो में राइनो भाई साहब इस खूंखार शिकारी को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटते। जैसे ही देखा कि टाइगर पानी में आराम कर रहा है, ये भी एक तरफ से पानी में उतर गए और टाइगर की तरफ बढ़ने लगे। मगर उससे पहले कि वो टाइगर तक पहुँच पाते, टाइगर ये भारी भरकम पहाड़ अपनी तरफ आता देखकर बहुत जल्दी समझ गया कि राइनो भाई साहब दोस्ती करने तो नहीं आ रहे हैं, और समय रहते ही समझदारी दिखाते हुए वहाँ से निकल भागा। नंबर 3, मॉम राइनो वर्सेस हाइनास।
पता नहीं क्यों बड़े से बड़ा और ताकतवर जानवर जो लायन और टाइगर को भी हराने की क्षमता रखते हैं, ना जाने क्यों हाइना से बचता फिरता है। इस वीडियो में ये दो हाइनास आज इस राइनो के बच्चे के पीछे गलत इरादे लेकर पड़े हुए हैं और इस बच्चे की माँ ये राइनो किसी तरह अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। दोनों मिलकर कभी आगे से वार करते हैं तो कभी पीछे से। आखिरकार बच्चा परेशान होकर वहाँ से भागने लगा, पीछे उसकी माँ भी भागी और माँ के पीछे दो हाइनास भी भागी। अंत यही हुआ कि माँ जीत गई और हाइनास हार गई। नंबर टू, राइनो वर्सेस थ्री लायंस। ये वीडियो बहुत मजेदार है। ये बेचारा राइनो इस कीचड़ में फंस गया और निकल नहीं पा रहा है। मौके का फायदा उठाने के लिए उस राइनो के आसपास तीन शेर आकर जमा हो गए। वे समझ रहे थे कि राइनो मुश्किल में है, फंसा हुआ है और इस समय उसे शिकार बनाना बड़ा आसान होगा। मगर बेचारों की किस्मत खराब थी क्योंकि किसी तरह राइनो बाहर निकल आया और पासा एकदम से पलट गया। अब शेरों की गिरोह में भगदड़ मच गई। राइनो ने शेरों को दौड़ाना शुरू कर दिया। अब हाल ये हो गया कि शेर अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे हैं। नंबर वन, राइनो वर्सेस कार। ऐसा नहीं है कि राइनो को सिर्फ दूसरे जानवरों पर ही गुस्सा आता है, वो कभी कभी इंसानों के पीछे भी पड़ जाते हैं और सिर्फ इंसान तो क्या, कार्स को भी नहीं बख्शते। अब इसी वीडियो में देखिए कैसे इस राइनो को गुस्सा आ गया और इसने अपना गुस्सा इस कार पर निकाल मारा। देखिए जरा किस तरह से इस कार को गुलाटी खिलाता हुआ ले जा रहा है ये मोटी चमड़ी का शैतान। ये देखने के बाद तो मुझे इस भीमकाय जानवर की ताकत पर कोई संदेह, शक, शुभा नहीं रह गया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि विशालकाय राइनो की इन मोस्ट डेंजरस फाइट्स में आपको सबसे भयंकर और खूंखार लड़ाई कौन सी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।